नीरव मोदी पीएनबी घोटाला। तो असल में हुआ क्या था इस नीरव मोदी घोटाले में, क्या है एलओयू, नॉस्ट्रॉस और रोल ओवर्स, और कैसे ये घोटाला 11,338 करोड़ रुपए का बन गया, वो भी बिना किसी की नजर में आए। पहले से ही दुनिया के अमीर और प्रसिद्ध का जौहरी नीरव मोदी आसमान छूना चाहता था। मैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गहनों के ब्रांड में से एक होना चाहता हूँ, जैसे आज बुकेलाती और कार्टियर है। और इसके लिए उन्हें बहुमूल्य कटे हीरों को बेचने की आवश्यकता थी। मुझे अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए कर्ज चाहिए। जी जी जरूर, हम आपको 10% ब्याज पर लोन दे सकते हैं। यहाँ नीरव ने एक दूसरा सस्ता रास्ता सोचा। अच्छा, कैसा रहेगा अगर मैं रुपयों के बजाय डॉलर में लोन लेता हूँ? खैर, हम इसे आपको लिबोर के 2% ऊपर दे सकते हैं। लिबोर आजकल लगभग 1.5% चल रहा है, आपको कुल 3.5% पड़ेगा। बात ऐसी थी कि नीरव का संबंध किसी विदेशी बैंक के साथ नहीं था, इसलिए उन्होंने पीएनबी को दलाल या एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया इस उपदेश पत्र या LOU के द्वारा, यानी लोन को वापस चुकाने की गारंटी। LOU एक IOU की तरह होता है, पर बैंकों के बीच में। ये सब सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ से अब मामला दिलचस्प हो जाता है। इस लोन की गारंटी के लिए आपको बैंक को कुछ दस्तावेज देने होंगे, जैसे आपके घरों, दुकानों, हीरो, और साथ ही हमें आपके व्यक्तिगत गारंटी की भी जरूरत होगी। लेकिन PNB ने ऐसा नहीं किया। चलिए, हम बिना किसी दस्तावेजों के आपको लोन दे देंगे, और अंतर बैंक प्रणाली स्विफ्ट के माध्यम से LOU पे LOU निकाले जाने लगे। जैसे भारत में लेन देन के लिए RTGS और NEFT है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए स्विफ्ट का उपयोग किया जाता है। उधार देने वाले विदेशी बैंक को परवाह नहीं थी कि LOU किसके एवज में है। अगर जारी करने वाले बैंक ने स्विफ्ट का उपयोग किया है तो ये LOU सोने के बराबर है। जिन्होंने नीरव के लिए LOU दिए वे ज्यादातर भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं थी, इसीलिए इस घोटाले का असर भारत में सबसे ज्यादा महसूस हुआ। जब विदेशी बैंक भारतीय बैंक को डॉलर में पैसा भेजती है तो जिस खाते में ये जमा होते हैं उसे नॉस्ट्रो खाता कहते हैं। नॉस्ट्रो लैटिन शब्द हमारा से निकला है। PNB ने नीरव की खरीदारी के भुगतान के लिए सीधा नॉस्ट्रो खाते में पड़े पैसों का इस्तेमाल किया, जो ज्यादातर हांगकांग और संयुक्त अरब में स्थित कंपनियों के लिए थे। आमतौर पर LOU 30 से 90 दिनों के लिए होते हैं, और जब नीरव के पास इसका भुगतान करने का समय आया तो उसने प्रणाली को ही बदल दिया। नीरव, आपको कल तक 2,50,000 का भुगतान करना होगा। शेट्टी जी, $5,00,000 का दूसरा LOU निकालिए और वहाँ से पहले लोन का भुगतान करिए। बचा पैसा मेरे लिए रखना, मुझे और हीरे खरीदने हैं। इस प्रणाली को रोल ओवर कहा जाता है। तकनीकी रूप से तो पहला लोन चुकाया गया है, लेकिन चुकाने के लिए एक और लोन लिया गया। 2011 से अगले 6 वर्षों के लिए PNB ने लगभग 150 LOU जारी किए, हर एक लाखों डॉलर के। अकेले जनवरी और फरवरी 2017 में उन्होंने 143 LOU निकाले। उन पैसों के बल पे नीरव ने दुकानों पर दुकानें खोली और एक भारी रकम देकर प्रियंका चोपड़ा को उनकी ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। अपनी कंपनी को ताकतवर बनाने की कोशिश में नीरव मोदी एक विशाल पूंजी योजना चला रहे थे, जिससे पुराने लोन की रकम बढ़ती गई, साथ साथ कर्जा भी। लेकिन उनकी ये योजना बहुत ही सोची समझी थी। मैं जल्द ही अपनी कंपनी को ऊंचे प्रीमियम पर शेयर बाजार में सूचीबद्ध करूंगा, जिसके बाद मैं अरबपति हो जाऊंगा और फिर सभी LOU को एक साथ आसानी से चुका दूंगा। पर समय का खेल कुछ अलग ही था और उनकी ये सारी योजनाएं ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। PNB में नीरव का बंदा शेट्टी 2017 में रिटायर हो गया और उनके स्थान पर जो आए उन्हें इस चलते घोटाले की भनक नहीं थी। पर जब LOU चुकाने का समय आया, श्री मोदी जी, हमें सिस्टम में आपके पिछले लेन देन नहीं मिल रहे हैं, आपको जनवरी के LOU का भुगतान करना ही होगा, हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते। अब क्योंकि कोई रोल ओवर नहीं हो सकता था, यानी अब कोई भुगतान भी नहीं हो पाता, PNB ने तुरंत पुलिस में FIR दर्ज करा दी। जनवरी 2018 के LOU का भुगतान न करके नीरव मोदी ने बैंक को 280 करोड़ का धोखा दिया है। पर जब और खोजा गया तो पता चला कि धोखा 11,338 करोड़ का था। NPA के अलावा भारतीय बैंकों को पिछले 4 सालों में 67,000 करोड़ रुपए का धोखा हुआ है।
जब तक पुलिस ने नीरव की तलाश शुरू की वह निकल चुके थे और भगोड़ों की सूची में शामिल हो गए थे, जिसमें सह भगोड़े ललित मोदी और विजय माल्या भी हैं। माल्या पर बिस्बो की दो कहानियां देखें। न्यूयॉर्क में प्रति रात 75,000 रुपए के आलीशान कमरे में बैठे नीरव बैंकों को ही दोषी ठहरा रहे हैं। FIR दर्ज करके बैंक ने मेरी बिक्री रोक दी और मेरी भुगतान करने की ताकत खत्म करके उन्होंने खुद ही अपने आप पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब एक और 3,695 करोड़ का रोटोमैक घोटाला हुआ है और ये भी सरकारी बैंक BOB में। क्या ऐसे ही करदाताओं का पैसा इस्तेमाल किया जाता है? बैंक करे घोटाले, पैसे भरे हम। बिस्बो की शायरी। PNB का बैंक घोटाला, किस किस ने भर लिया है प्याला। सूट बूट में डाकू घूमे, जमा पूंजी जनता की लूटे। बैंकों की है आंखें बंद, मौज ले रहे शातिर चंद। माल हड़प विदेश में जा बसते, हम रह जाते आंखें मलते। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो आइए बन जाइए बिस्बो के दोस्त और सब्सक्राइब करके हमारे फ्री मेंबर बन जाइए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।